पिछले सप्ताह समझौता एक्सप्रेस का जो ब्लास्ट 2007 में हुआ था उसमें पंचकुला अदालत का फैसला आया था। कल जो उसकी विस्तृत जजमेंट थी वो सामने आई है, वो रिलीज की गई है और आज के कई समाचार पत्रों में छपी भी है। और 2007 के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो बार बार हमें सूचनाएं देता था कि कौन सही मायने में आतंकवादी हैं जो उस घटना में शामिल थे, उनके नाम भी थे। यूनाइटेड नेशंस प्रस्तावना में भी कुछ लोगों को आतंकवादी उसी आधार पर कहा गया था। लेकिन उस लाइन पे तहकीकात करने के बाद अलावा किसी प्रकार से, क्योंकि हिंदू टेरर की एक थ्योरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थ्योरी बनाई थी।